हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन राकेश सर की बुक का सॉल्व करा रहा हूँ, और ये NTPC ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, 30 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 31 से शुरू करते हैं। देखिएगा, कह रहा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1.9 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं यक्स प्रतिशत प्रतिशत 1.14 है, तो एक्स परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका 1.14/1.9। इधर आगे 1.14 के नीचे भाग हो जाएगा 1.9 का। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा, और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर लग जाएगा। अब नीचे 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 19 छक्का 114, 19 छक्के 114, तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स परसेंटेज बराबर हो जाएगा, परसेंटेज मिलेगा तो 60% हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 60। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 0.001 किसके बराबर है। तो देखें, 0.001 पूछ रहा है किसके बराबर। तो दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितने जीरो लीजिएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लगा देंगे। तो एक के आगे एक, नीचे जीरो के जीरो और वन के स्थान पर वन लिख देंगे, तो ये आपका वैल्यू कितना हो गया। और परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो कट गया इधर और 2 जीरो इधर कट गया, बचा कितना, 1/10 बचा। बराबर हो जाएगा 0.1%। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपाते बी बराबर क्या होगा। तो देखें, ए का 60%, तो 60/100 परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 लिखेंगे, बराबर बी का 3/4 दिया गया है, इसको काट देंगे, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तियाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो जगह 3a/5 बराबर 3b/4 ये हो जाएगा। ऊपर 3 3 और कट जाएंगे, दोनों तरफ 3 है 3 तो कट जाएंगे, आपका बचा है 1/5 बराबर b/4। अब अनुपात में कर लेंगे, ए बटे बी बराबर हो जाएगा 5/4, तो ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू 5/4। तो 5/4 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है। यदि बी माइनस ए का 30% और बी प्लस ए का 18% है, तो ए अनुपाते बी का अनुपात क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, बी माइनस ए का 30%, 30/100 हो जाएगा, बराबर बी प्लस ए का 18%, तो 18/100 हो जाएगा। नीचे का दो हर में है, दोनों तरफ 100 100 कट जाएगा, 3 से इसको काट दें, 3 दहाम 30 और 3 छक 18 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब अंदर गुणा कर दीजिए, बी में गुणा करेंगे तो 5b हो जाएगा, माइनस ए में भी गुणा करेंगे तो 5b हो गया, 5a हो गया, बराबर इसका भी इसमें गुणा कर लेंगे तो 3b/3a हो जाएगा। अब ए को एक तरफ और बी को एक तरफ ले लेंगे, तो 5b
माइनस थ्री बी बराबर थ्री ए प्लस फाइव ए। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ कर लेंगे, जिस तरफ माइनस लगा है उन तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और जिस तरफ प्लस है उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। पांच बी में से थ्री बी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा टू बी, इधर पाँच तीन आठ ए हो जाएगा। दो कम दो, दो चौक आठ हो गया, काट देंगे दो से। अब ये बी बी बराबर हो जाएगा फोर ए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 1/4 बराबर हो जाएगा आपका ए बटे बी। क्या हो जाएगा, बी को इसको नीचे ले आएंगे इधर भी हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 बराबर बी बटे। तो ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 1/4 आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत, तो 80 का मान लेते हैं यक्स प्रतिशत, प्रतिशत में कितना हो जाएगा 32 है। अब यहाँ यक्स प्रतिशत बराबर हो जाएगा 32/80। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, एक जीरो कट जाएगा ऊपर और एक जीरो नीचे कट जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, तो एक्स परसेंट बराबर हो जाएगा आपका 40%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ए का 90%, यदि ए का 90% है बराबर बी का 30% और बी ए का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए का 90%, ए का 90% 90/100 हो जाएगा बराबर बी का 30%, तो बी गुणे 30/100 हो जाएगा। अब इसको देखिए, नीचे दो जीरो और नीचे दो जीरो कट जाएंगे, ऊपर में दोनों तरफ जीरो जीरो कट जाएंगे, तीन से कट जाएगा, 3 अक्कम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, तो आपका 3A बराबर हो जाएगा B, A/B बराबर हो जाएगा 1/3। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, B बराबर लिख सकते हैं 3A, ये हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, B जो है B बी जो है यक्ष का यक्ष परसेंट, सॉरी इसको बी बराबर हो जाएगा आपका ए का यक्ष प्रतिशत, तो बी बराबर हो जाएगा ए इंटू यक्ष बटे 100। अब यहां से हम देखिए b बराबर लिख सकते हैं 3a, हम यहां से लिख सकते हैं b बराबर 3a, तो यहाँ b के स्थान पर लिखेंगे 3a बराबर a गुणे x बटे 100। यहां से a और a दोनों तरफ पड़ जाएगा, इधर गुणा कर देंगे 3 में 100 का, तो 300 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका b सही है, 300 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% और बी बराबर ए का 2x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए का 90% बराबर बी का 30%, तो पहले ए इसको निकाल लेते, ए बी का अनुपात निकाल लेंगे, 90/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, बी में गुणे 30% है, 100 लगा देंगे बटे कर देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, दोनों तरफ 100 100 कट गया और 0 से 0 कट गया, दोनों 3 से भी काट देंगे, 3 3 का 9, तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर b। अब यहाँ कह रहा है b बराबर a का 2x%, तो परसेंटेज नीचे है तो 100 निकाल देंगे, यहाँ प्रतिशत दिया गया है तो नीचे 100 कर दिया। अब b बराबर 3a है तो रख देंगे 3a बराबर a गुणे 2x/100,
यहाँ से क्या करेंगे, ए से ए कट जाएगा, ये इसके दो से काट देंगे तो 50 हो जाएगा, दो से काटेंगे 100 को 50 हो जाएगा, 50 का 3 में गुणा कर देंगे, 5 15 तो यक्स बराबर है 150, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है, तो लिख लेंगे 1206 का एक तिहाई 1/3 134 का मान लेते हैं यक्स प्रतिशत, तो यहाँ लिखेंगे 1206 × 1/3 और नीचे बटे हो जाएगा, इसको लगा देंगे तो 134 और इधर हो जाएगा यक्स प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर देंगे, इधर क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 402 × 100 / 134 = x। ये इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 134 का 402 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 300%, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है यदि ए का 20% बी के 80% के बराबर हो तो ए बी प्लस ए बराबर बी माइनस ए किसके बराबर होगा, इसको देखते हैं। कह रहा है ए का 120% बराबर बी का 80%, तो परसेंटेज परसेंटेज दोनों तरफ कट गया, 1 0 इधर 1 0 इधर कट गया, 4 से बिट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 3 ए बराबर हो जाएगा 2 बी, ये हो गया। अब यहाँ से ए बराबर हम लिख सकते हैं 2/3 बी लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए, हम ए के स्थान पर रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस 2/3 बी, इधर हो जाएगा बी माइनस 2/3 बी, इसको साल इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 बी प्लस 2 बी बटे 3, पलटेंगे और इसमें 3 पलटेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बी में से 2 बी निकाल देंगे तो 1 बी बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे कितना, 3 2 5, 5 बी हो बटे बी हो गया। अब यहाँ से ये कट गया तो बचा आपका 5, तो आपका ऑप्शन आ गया किसकी वैल्यू, बी प्लस ए और बी माइनस ए की वैल्यू आ गई 5, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी का 20% बी का 50% है तो 2a - b और 2a + b का मान बताइए, यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी का 20% बराबर बी का 50%, तो यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज हटा देंगे, 1 0 इधर 1 0 इधर कट जाएगा और इसका गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2a + 2b बराबर 5b, b को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 2a बराबर 5b - 2b, अब यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा, 5b में से 2b निकालेंगे 3b हो जाएगा। अब हमको क्या कह रहा है, हमको a बराबर लिख सकते हैं 3b, एक मिनट यहाँ से हम ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे क्या है, 2a - b / 2a + b, इसमें मान रख देंगे। अब हम जाते हैं 2a की वैल्यू कितना है, 3b है, तो यहाँ लिखेंगे 3b - b, नीचे भी है 3b + b हो जाएगा,
अब यहाँ 3b माँ से b घटा लेंगे 2b बचेगा, और यहाँ नीचे है 4b हो जाएगा, b से b दोनों तरफ कट जाएंगे और 2 2 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1/2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो 41 से लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।